नमस्कार दोस्तों, टिप्स टू लर्न में मैं रविंद्र गहलोत आज आपके सामने इस वीडियो में चर्चा करूंगा प्रिवेंशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। दोस्तों, स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरा वीडियो देखिए, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मास्टर सर्कुलर नंबर 1 KYC नॉर्म्स इन POSB SC अंडर AML CFT रिजीम यानी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो KYC AML CFT इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो KYC मींस नो योर कस्टमर, AML का मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT का मतलब है कंबैटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म। ये जो PMLA एक्ट है उस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर में आते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि KYC AML CFT की जो गाइडलाइन है टाइम टू टाइम अपडेट भी की जाती है। तो वो क्यों? क्योंकि अगर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर किसी तरह की अगर इलीगल एक्टिविटी रिगार्डिंग मनी यानी मनी लॉन्ड्रिंग किसी तरह की हो रही है या कोई फाइनेंशियल टेररिज्म एक्टिविटी जैसे किसी के खाते से लूट मार जो भी हो रही है उसको रोकने के लिए या किसी तरह का काला धन जैसे इन चीज़ों को सबको रोकने के लिए ये टाइम टू टाइम PMLA एक्ट है जो 2002 इसको अपडेट किया जाता है। दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ए कस्टमर यानी एक कस्टमर कौन है। एक पोस्ट ऑफिस के अंदर या बैंक के अंदर जो भी कोई खाता धारक है या सर्टिफिकेट होल्डर है वो एक कस्टमर है इसके अंदर। और टाइम टू टाइम इसमें जैसे कोई माइनर थ्रू किसी ने अकाउंट खुलवा रखा है वो भी एक कस्टमर होगा। तो इसमें जनरल चीज़ें क्या है कि पोस्ट ऑफिस जो भी सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस है या बैंक है वो ये सूचना ध्यान में रखेंगे कि कस्टमर कोई भी अकाउंट खोलता है किसी भी तरह की सर्टिफिकेट लेता है तो वो उसके जो डॉक्यूमेंट है वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाएं, किसी तरह को उनको सार्वजनिक नहीं किया जाए। और इसके अंदर जो KYC पॉलिसी है दोस्तों वो चार तरह की होती है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। यानी इस तरह की चार KYC पॉलिसी है, ये शर्तें आपको जो बैंक या पोस्ट ऑफिस है उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है CAP, इसमें क्या है कि दो तरह की शर्तें हैं कि किसी भी बेनामी जैसे बेनाम या किसी अज्ञात के नाम से या फिक्टिजम नेम जैसे ABC कह के गए ZYL इस तरह से मतलब किसी का ना अकाउंट नहीं खोल सकते आप। अगर इस तरह का कोई भी अकाउंट नहीं तो खोलना है और अगर पहले से है तो उसको बंद भी नहीं करना है जब तक उस अकाउंट के लिए रिलायबल डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं हो जाते तो आप किसी भी तरह के इसका भुगतान या नया नहीं खोल सकते। तो ये टाइम टू टाइम पोस्टल डिवीज़न को इस तरह की गाइडलाइन है वो कस्टमर के लिए अवेलेबल करवा दी जाती है। इसमें कैटेगरी ऑफ कस्टमर है, इसमें तीन तरह की कैटेगरी होती है दोस्तों, एक लो रिस्क है, एक मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। जो लो रिस्क कैटेगरी होती है इसके अंदर वेयर द कस्टमर्स ओपन अकाउंट और अप्लाइज फॉर परचेज और सर्टिफिकेट अप्लाइज फॉर क्रेडिट ऑफ मेच्योरिटी पर मेच्योर वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग सेविंग इंस्ट्रूमेंट विद एन अमाउंट अप टू 50,000 यानी 50,000 तक के अमाउंट जो भी जमा करवाता है तो वो एक लो रिस्क के अंदर आता है। 50,000 से अगर 10 लाख तक के अमाउंट है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो वो मीडियम रिस्क के अंदर कवर करता है। हाई रिस्क जो 10 लाख से ऊपर की जो जितनी भी अमाउंट है वो इसमें किसी वो हाई रिस्क में आता है। तो दोस्तों, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, नो योर कस्टमर, जो KYC नॉर्म्स है वो है फॉलोइंग विल बी द CDD KYC नॉर्म बी फॉलोड इन द केस ऑफ ओपनिंग अकाउंट। क्या क्या जो अकाउंट खोलते टाइम है वो किन KYC शर्तों को आपको ध्यान में रखना है? तो जो सबसे पहले इसमें दिया है दोस्तों कि जो लो रिस्क कैटेगरी है उसके लिए आइडेंटिफिकेशन प्रूफ यानी फोटोग्राफ, एक या दो फोटोग्राफ लेनी है और इसे ये पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों की होनी चाहिए, जो भी जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनकी फ़ोटोग्राफ चलेगी, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। इसलिए नॉर्म्स है इसमें, जैसे इसमें आइडेंटिफिकेशन में आप देख सकते हो इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटी कार्ड है, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, POSB आइडेंटी कार्ड, पोस्ट ऑफिस आइडेंटी कार्ड, जो भी PSU, PPO, BPL कार्ड, जॉब कार्ड या जैसे फोटो आइडेंटी कार्ड इशू बाई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है या आधार कार्ड। एड्रेस प्रूफ के अंदर इसी तरह से बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक स्टेटमेंट हो सकता है, पासपोर्ट विद करंट एड्रेस, राशन कार्ड जो करंट एड्रेस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, टेलीफोन बिल भी हो सकता है, सैलरी स्लिप ऑफ रिप्यूटेड एम्प्लॉयर विद करंट एड्रेस,
सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी पोस्टमैन ग्रामीण डाक सेवक डिलीवरी एजेंट और ब्रांच पोस्टमास्टर और द लेटर इशूड बाई द यानी यू आई डी ए अगर आपका नहीं आया तो उससे पहले जो आपको रिसीव एक्नोलेजमेंट दी जाती है वो भी चल जाता है इसमें। अब इसमें अटेस्टेशन ऑफ फोटोकॉपी ऑफ द कस्टमर, इसमें क्या है कि या तो ये गजेटेड ऑफिसर सरपंच ब्रांच या हेड पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस के किसी भी कर्मचारी द्वारा ये जैसे पोस्ट मास्टर पोस्टमैन डाक सेवक डिलीवरी एजेंट इनसे अटेस्टेड होनी चाहिए। इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू एजेंट दिस डॉक्यूमेंट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाई द एजेंट, यानी अगर एजेंट के थ्रू आप अकाउंट खोल रहे हैं तो एजेंट से अटेस्टेड होना चाहिए। इनको इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑल डिपॉजिट, यानी मतलब दोनों के ही लगेंगे अगर जॉइंट अकाउंट है तो। फॉर जो मीडियम रिस्क के कैटेगरी है उसके लिए वही सेम शर्तें हैं दोस्तों, लेकिन उसमें क्या है 50,000 की जो शर्त आ गई, 50,000 से नीचे थी तो उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं था। अब जो मीडियम रिस्क आ जाती है इसके अंदर पैन कार्ड और लेटर इशू बाई आईटी अथॉरिटी फ्लोटिंग पेन या डिक्लेरेशन फॉर्म इन 60 और 61। यदि इफ ओनली डिक्लेरेशन 60 और 61 इज प्रोवाइडेड देन वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी गिवन, यानी अगर 60 और 61 नंबर फॉर्म देते हो तो आपको इलेक्ट्रोल वोटर आईडी कार्ड भी साथ में देना होगा या आधार कार्ड या पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड फोटो आइडेंटी या आइडेंटी कार्ड जो भी सेंट्रल पीएसयू गवर्नमेंट से इशू हो। अगर एड्रेस प्रूफ में आप देखें तो वही सेम शर्तें हैं, बैंक और पोस्ट ऑफिस की पासबुक पासपोर्ट राशन कार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल आधार कार्ड या कोई भी पोस्ट ऑफिस से सर्टिफिकेट आपका एड्रेस से, और इसी तरह से वही आपकी जो सेम प्रोसीजर वो रहेगा अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर या सरपंच ब्रांच पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर ग्रामीण डाक सेवक डिलीवरी एजेंट या इनकेस ऑफ आप अगर एजेंट से अकाउंट खुलवा रहे हो तो एजेंट के द्वारा अटेस्टेड होना ज़रूरी है दोस्तों। इसी केस में सिंगल या जॉइंट दोनों ही केस में दोनों के डॉक्यूमेंट ये सारी फॉर्मेलिटी वही लगेगी। जो हाई रिस्क कैटेगरी होती है दोस्तों तो उसमें दो वही रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अगर जॉइंट है अकाउंट तो दोनों की जॉइंट होल्डर की फ़ोटो पासपोर्ट साइज लगेगी। आइडेंटिफिकेशन में पैन कार्ड और वही 60 और 61 नंबर फॉर्म, बाकी सेम प्रोसीजर वही, और एड्रेस प्रूफ के अंदर वही बैंक पोस्ट ऑफिस पासबुक पासपोर्ट राशन कार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल टेलीफोन बिल सैलरी स्लिप ये बाकी चीज़ें लगभग सेम सी है, बस थोड़ा सा अंतर पैन कार्ड का ही आया है। अब इसके अंदर क्या था कि इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अकाउंट, जहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट है किसी का अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो कस्टमर को 15G या 15H देना पड़ेगा। अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यानी उस कंडीशन में क्या है TDS कटता है। अगर पैन कार्ड की कॉपी ज़रूरी है तो 10 लाख जैसे 10 लाख से किसी ने MIS करवा के उसका जो भी इंटरेस्ट जैसे 10,000 से ज़्यादा जो भी इंटरेस्ट बनता है तो इसलिए वो 15G या 15H देना पड़ेगा इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अकाउंट। दोस्तों प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड, द कस्टमर हैज़ टू सबमिट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट शोइंग सोर्स ऑफ रिसीट ऑफ फंड्स टेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट और अटेस्टेशन ऑफ फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी अटेस्टेड कहाँ से, सेल्फ अटेस्टेड भी चल सकता है, उसमें भी था सेल्फ अटेस्टेड यहाँ भी चल सकता है। अगर कोई इलिटरेट है यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अपनी गजेटेड ऑफिसर सरपंच ब्रांच पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर ग्रामीण डाक सेवक पोस्टमैन डिलीवरी एजेंट से अटेस्टेड करवा सकता है। अगर कोई एजेंट के थ्रू अकाउंट खुलवा रहा है तो एजेंट से करवा सकता है। जॉइंट अकाउंट में भी सेम प्रोसीजर है दोस्तों, स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है अकाउंट में, जैसे एक पेंशन अकाउंट है, पेंशन अकाउंट के बाद में जैसे मैं सबसे पहले पेंशन अकाउंट के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो जो अकाउंट की स्पेशल कैटेगरी उसमें पेंशन अकाउंट में क्या है कि फोटोग्राफ एक पोस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, अगर जॉइंट है तो जॉइंट की चाहिए, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ कॉपी ऑफ PPO यानी PPO जो पेंशन पे ऑर्डर है उसकी कॉपी चाहिए जो एक कंपेटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया। एड्रेस प्रूफ के अंदर वही सेम चीज़ें रहेंगी, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट राशन कार्ड इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल आधार कार्ड या कोई भी पोस्ट ऑफिस एजेंट द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। अटेस्टेशन की सेम शर्तें हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं, अगर अशिक्षित हैं तो आप अपना गजेटेड ऑफिसर सरपंच ब्रांच हेड पोस्ट मास्टर चीफ पोस्ट मास्टर पोस्टमैन डाक सेवक से करवा सकते हैं, डिलीवरी एजेंट से करवा सकते हैं, अगर एजेंट के थ्रू खुलवाने हैं तो एजेंट से अटेस्टेड करवा सकते हैं। वर्कर्स वेज अकाउंट दूसरा आता है दोस्तों, वर्कर वेज अकाउंट जिसको WWA अकाउंट बोलते हैं वही सेम शर्तें हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशन का अगर जैसे कोई मनरेगा का खाता खुलवा रहा है मनरेगा से रिलेटेड जैसे तो उसमें जॉब कार्ड की कॉपी चाहिएगी, बाकी जो क्या नाम है इसमें
एड्रेस प्रूफ के वही सेम सरते रहेंगे, अटेस्टेशन का भी सेम मामला है, वही सेल्फ अटेस्टेड या गजेटेड बाकी से करवाना है। इसी तरह इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज विडो पेंशन अकाउंट है, उसमें फोटोग्राफ, इसमें स्पेशल जो अंतर है वो एक जो पीपीओ है कमिटमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया वो चाहिएगा। एड्रेस प्रूफ के अंदर वो इस बाकी सारी चीज़ें रहेगी, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या सर्टिफिकेट फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी जो भी। अटेस्टेशन का भी सेम नियम है दोस्तों, आप शिक्षित हो तो खुद अटेस्टेड कर सकते हो, अशिक्षित हो तो किसी से करवा सकते हो, जो गजेटेड है, सरपंच है, बीपीएम है, एसपीएम है, एसपीएम जो भी है, या एजेंट के थ्रू खुलवा रहे हो तो वो भी सेम चीज़ें हैं। और इन केस ऑफ वेयर द अकाउंट सर्टिफिकेट होल्डर इज माइनर द नॉर्मल सेल बी एप्लीकेबल टू गार्जियन, यानी अगर माइनर कोई अकाउंट खोल रहे हो तो वो सेम जो डॉक्यूमेंट या शर्तें हैं वो गार्जियन की होगी, अटेस्टेशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट परचेज ऑफ सर्टिफिकेट और व्हेन मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ एनी सेविंग इंस्ट्रूमेंट इज क्रेडिट इनटू सेविंग अकाउंट, यानी मतलब किसी तरह का किसी का भुगतान अगर सेविंग अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, तो पोस्टल स्टाफ को क्या करना है उसमें जो केवाईसी से रिलेटेड शर्तें हैं वो पूरी कर लें। इस तरह ये सिर्फ जो बीपीएम एसपीएम सुपरवाइज़र जो भी है केवाईसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन उनके पास पावर रहेगी इसकी, वो कर सकते हैं बिल्कुल। और डिस्पोजल ऑफ फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ है दोस्तों तो उसके लिए जो कस्टमर से फोटोग्राफ जो गैदर किए अपन ने उसके लिए जो क्या करना है कि बीपीएम एसपीएम सुपरवाइज़र उनको अटेस्टेड करेगा, यानी फोटोग्राफ जो एसपीएम बीपीएम सुपरवाइज़र है उसको करना क्या है कि जैसे ही कस्टमर का किसी तरह का अकाउंट ओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट आती है, फॉर्म आता है, तो फोटोग्राफ से कस्टमर की फ़ोटो का मिलान करेगा, उसको अटेस्टेड करेगा और ये भी श्योर करेगा कि जिस टाइम कस्टमर ने अकाउंट खुलवाया है तो उस टाइम वो जिस जो फ़ोटो लगा रखी है वही कस्टमर मौजूद था, सामने सिग्नेचर वगैरह के कॉलम है उसमें सिग्नेचर करवाएगा। और इसी तरह जो EDVO है या SO है उसमें ऐसे सिग्नेचर जो बुक होती है स्पेसिमेन सिग्नेचर बुक वो मेंटेन करनी है, और BO के अंदर भी सेम है। और इसमें आगे हेड पोस्ट हेड जो पोस्ट मास्टर है उसमें सुपरवाइजर APM या DPM जो भी है वो फ़ोटो को एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में उसमें पेस्ट करेगा, और सर्टिफिकेट है तो एक फ़ोटो सर्टिफिकेट पर भी पेस्ट करेगा, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर भी करना है। दोस्तों इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अकाउंट वन एडिशनल फोटोग्राफ इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन पासिंग इन द पासबुक विच इज़ मैंडेटरी फॉर सीनियर सिटीजन अकाउंट्स, यानी मतलब जो सीनियर सिटीजन का अकाउंट अगर आप खोल रहे हो तो उसमें अंदर एक एक्स्ट्रा फोटो लेना है। कॉपीज ऑफ डिस्पोजल और कॉपीज ऑफ KYC नॉर्म, जो KYC नॉर्म्स के जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उनका डिस्पोजल क्या होगा कि दोस्तों शुड बी अटैच्ड विद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और परचेज एप्लीकेशन इन केस ऑफ अकाउंट ओपन EDVO अकाउंट डॉक्यूमेंट विल बी, यानी मतलब जो जैसे हेड पोस्ट ऑफिस है तो वो डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करेंगे, अगर कोई BO या SO के अंदर है तो वो अकाउंट हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र होते हैं जो भी डॉक्यूमेंट है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। इसी तरह ये SO के केस में जो जैसे RDMIs या सीनियर सिटीजन से रिलेटेड अकाउंट है वो उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, और जो SBTD PPF अकाउंट है उनको एक गार्ड फाइल SO के साथ में वहीं मेंटेन करनी है, बाकी वाउचर वहाँ RDMIs के और सीनियर सिटीजन के हेड ऑफिस को सेंड कर दिए जाते हैं। इसी तरह EDVO या GDS BPM अपने मतलब KYC डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड करके वेरीफाई करके ओरिजिनल के साथ, और जो अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म या सर्टिफिकेट फॉर्म है वो अपने अकाउंट ऑफिस को भेज देगा। अब कंपैरिजन ऑफ एड्रेस का मिलान करना है, इसमें क्या है कि एड्रेस मेंशन इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और परचेज एप्लीकेशन इज़ द सेम, यानी मतलब जो जिसने अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म में या जो जो डॉक्यूमेंट पे कर रहा है साथ में जो एड्रेस प्रूफ, तो वो दोनों का सेम मिलान होना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ नेम, नाम जो डॉक्यूमेंट के अंदर दिया हुआ है आईडी कार्ड के अंदर नाम दिया हुआ है वो और जो अकाउंट ओपनिंग है वो भी सेम होना चाहिए, नॉर्मल सी बातें हैं। रिकॉर्डिंग टू रिसिप्ट ऑफ KYC डॉक्यूमेंट, जो KYC डॉक्यूमेंट है उसमें क्या है कि BPM SPM सुपरवाइज़र या APM DPM सेल रिकॉर्ड राइटिंग अंडर डेटेड सिग्नेचर ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और परचेज एप्लीकेशन एज KYC डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एंड अटैच, इस तरह का रिमार्क लगा के वो उनको सेफ कस्टडी में रखना है। प्रोसीजर एट द टाइम ऑफ री इन्वेस्टमेंट, जब री इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो दोस्तों क्या होता है कि जब इन केस ऑफ डिपॉजिटर इन्वेस्टर अप्रोचिंग द सेम पोस्ट ऑफिस
फॉर अनदर अकाउंट ओपनिंग परचेज ऑफ सर्टिफिकेट डायरेक्टली थ्रू एजेंट हैज़ ऑलरेडी गिवन CDD KYC डॉक्यूमेंट, यानी मतलब जिसने अगर एक बार KYC डॉक्यूमेंट अपने जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी है अपने KYC डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपनिंग के टाइम दे दिए हैं तो उनका एक KYC रजिस्टर है उसको सीरियलाइज किया जाए और जो भी कस्टमर आता है उसको जब वो दोबारा कोई अकाउंट खुलवाता है तो वहाँ से KYC का नंबर उसको पहले से बता दिया जाए ताकि कस्टमर जब आए वो आपको याद करवा दे कि मेरा ये KYC नंबर है सर, मैंने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, तो अपनी गार्ड फाइल में से पोस्ट ऑफिस में देख के उसका अकाउंट दोबारा बिना किसी डॉक्यूमेंट के हम खोल सकते हैं। इस तरह की इसमें जब मैच्योरिटी वैल्यू इज़ क्रेडिट इन टू सेविंग अकाउंट तो ऐसे केस में क्या करते हैं दोस्तों, व्हेन एनी डिपॉजिट और सर्टिफिकेट होल्डर रिक्वेस्ट टू क्रेडिट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट इट शुड बी अलाउड ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट कंसर्न सेविंग अकाउंट ओपन विद ड्यू KYC डॉक्यूमेंट अप्लाइंग रिस्क कैटेगरी एज पर द बैलेंस इन द अकाउंट आफ्टर क्रेडिट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, यानी हाई रिस्क लो रिस्क वाले मैटर आपको देखने हैं। इसमें पैन कार्ड किस में लेना है, अगर खाते के अंदर ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर होता है तो आपने वो डॉक्यूमेंट सेविंग अकाउंट के अंदर वो लिए हैं कि नहीं, ये स्पेशल ड्यूटी मिलती है। जिस तरह की रिस्क कैटेगरी होगी उसी के हिसाब से, जैसे किसी की मैच्योरिटी वैल्यू जैसे 10 लाख आ रही है तो आपको उसकी जो मीडियम रिस्क की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट लेंगे। जनरल दोस्तों इसमें जनरल में क्या है कि इन केस एनी पोस्ट ऑफिस फाइंड दैट डिपॉजिट इन्वेस्टर्स इज नॉट कॉर्पोरेटिंग इन फर्निश फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ एनी सस्पिशन द पोस्ट मास्टर विल रेफर द मैटर टू हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन हु विल ऑर्डर क्लोजर ऑफ अकाउंट एंड इंटीमेट द डिपॉजिट इन्वेस्टर द रीजन ऑफ टोकिंग सच डिसीजन, यानी मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर कई बार ऐसे केस आ जाते हैं कि इस तरह के कस्टमर आ जाते हैं कि मैं किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, किसी तरह का KYC नहीं दूंगा, तो ऐसे केस थोड़े से सस्पिशियस होते हैं। इसमें क्या है कि पोस्ट मास्टर जो पोस्टल डिवीज़न के हेड हो उनको ऑर्डर की एक कॉपी लेगा ताकि इस तरह के अकाउंट को क्लोज करें और जिसकी सूचना डिपॉजिटर या इन्वेस्टर को एक कोई रीज़न बताते हुए किस तरह का रीज़न आपका अकाउंट बंद किया जा रहा है दे सकते हैं। अगर इनकेस वाइफ सन डॉटर पेरेंट्स वो लिव विद द फादर मदर एंड सन एज द केस मे बी ID प्रूफ एड्रेस प्रूफ ऑफ द रिलेटिव विद होम द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज लिविंग अलोंग विद द डिक्लेरेशन फ्रॉम द रिलेटिव दैट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हु वांट्स टू बी ओपन एन अकाउंट परचेज ए सर्टिफिकेट इज स्टेइंग विद देयर, यानी मतलब माता पिता साथ में रहे तो उनके आधार कार्ड ID कार्ड से भी वो डिक्लेरेशन दे के खुलवा सकता है। इस तरह की मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन दोस्तों, मॉनिटरिंग जो ट्रांजेक्शन की है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें क्या है कि मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मेंटेन जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है। इसके अंदर की क्या है कि जो भी जितने भी 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन है वो आइडेंटिफाई करने हैं। ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन विच जो 10 लाख से कम के हैं बट इंटरगली कनेक्टेड, यानी मतलब वो जो बार बार आप देख रहे हो कि महीने के अंदर दो या एक जैसे एक बार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो, एक बार हो गया कोई बात नहीं, अगर बार बार हो रहा है दो या तीन बार 10-10 लाख के ट्रांजेक्शन हो रहे थे उनके भी आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। ट्रांजेक्शन वेयर कैश इज एक्सेप्टेड और फोर्ज एंड काउंटरफिट करेंसी नोट्स आर यूज्ड वेयर फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट हैज़ टेकन प्लेस। इसी के बाद में जैसे एनी अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फोर्ज एंड काउंटरफिट करेंसी नोट, ठीक है, ऑल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांसफर ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, इस तरह के ये आपको ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं काउंटरफिट करेंसी नोट से रिलेटेड या ट्रांसफर ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, बार बार खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं ऐसे हो रहे हैं, इन चीज़ों को ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना है। अब डेफिनेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है उसकी क्या परिभाषा है दोस्तों, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मीन्स ए ट्रांजेक्शन डिफाइंड इन क्लोज 5 बिलो including an attempted transaction whether or not made in case which to a person acting in good faith, yani gives rise to a reasonable ground of suspicion that may involve proceeding of an offence, yani kisi tarah ka apradh mein sanlipt na ho agar uske liye wo kisi tarah ka proper reason deta hai ya hum jaise isme appears to be made in circumstances unusual unjustified complexity appear to have no economic reasonable or bona fide purpose, मतलब बिना किसी इकोनॉमिक रीजन के जो भी कुछ करता है, जैसे ज़रूरत ही नहीं बंदे को, आपको लगता है कि आप थोड़ा सा मतलब संदेह की स्थिति में उसको देख सकते हैं तो वो थोड़ा सा आपको
आपका संदेहास्पद वो जो ग्राहक हो सकता है। दोस्तों इसी तरह ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है कि ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी डिपॉजिट विड्रॉल या एक्सचेंज एक दूसरे खाते से जो भी आता है करेंसी से रिलेटेड ट्रांसफ़र बैलेंस होता है वो चाहे कैश हो या चेक पेमेंट हो या इंस्ट्रूमेंट जो भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक या किसी तरह से हो वो सब ट्रांजैक्शन की श्रेणी में आते हैं। और आ लॉन्ग बुक लेजर स्पेसिमेन सिग्नेचर बीओ आरडीटीडी जनरल लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बीओ डेली अकाउंट वाउचर नीड टू बी केप्ट प्रॉपरली अरेंज एट द आर लेवल। जैसे जो भी ईडी बीओ एसओ एचओ एसबीसीओ जो भी है वो अपने ट्रांजैक्शन इस तरह से ये सारी चीज़ें संभाल के रखेगा। द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दाम चार इस तरह के भागों में बांट लेगा कि जैसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे किस तरह के ट्रांजैक्शन है विड्रॉल है या डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट के हिसाब से भी कर सकता है। द डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन वाज कनेक्टेड तारीख के हिसाब से कर सकता है। पार्टी टू द ट्रांजैक्शन जो पार्टी है उसी हिसाब से भी कर सकता है। अब रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर टू बी रिपोर्टेड किस किस तरह के ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आपको करनी चाहिए अपनी कंसर्न अथॉरिटी को। तो आल कैश ट्रांजैक्शन जो 10 लाख से ज़्यादा है जिनकी कीमत आल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन विच आर लेस देन 10 लाख बट जो 10 लाख से कम है लेकिन बार बार हो रहे हैं एक बार से ज़्यादा हो रहे हैं या एनी अकाउंट वेयर कैश इज एक्सेप्टेड फॉर वही सेम जो चीज़ें हैं एनी अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्जरी या जो आल संदेश पद में के बार बार कैश डिपॉजिट विड्रॉल हो रहा है बिना किसी रीजन के बार बार कोई कर रहा है तो इस तरह की ट्रांजैक्शन आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग शेड्यूल क्या है कैश ट्रांजैक्शन यानी CTR आल जो 10 लाख से ज़्यादा है इस तरह की टेबल बनाई गई मेथड इसमें बताया गया है कि जैसे आप थोड़ा सा देख लीजिए इस तरह के ज़्यादा जैसे कौन से दिन इसमें क्या है कि इंचार्ज ऑफ एवरी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट एंड ट्रांजैक्शन डिपॉजिट इशू विड्रॉल से रिलेटेड जो भी लिस्ट है वो उसका नेचर वाइज जैसे ट्रांजैक्शन अमाउंट नेम एड्रेस ऑफ डिपॉजिटर होल्डर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन पैन नंबर ऑफ डिपॉजिटर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग दिस लिस्ट टू हेड ऑफ द डिविजन ऑन मंथली बेसिस थर्ड वर्किंग डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। और यानी मतलब महीने के तीसरे दिन को इस तरह के पैरामीटर्स के हिसाब से लिस्ट बनाकर 10 लाख से ज़्यादा वाले ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करेगा। हेड ऑफ द डिवीजन विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू सेंडिंग पोस्ट ऑफिस विद द लिस्ट सच ट्रांजैक्शन टू हिज डिवीजन टू द हेड ऑफ द सर्किल। और जो है डिविजनल हेड उसका काम है महीने के 5वें दिन उस रिपोर्ट को डिवीजन जो सर्किल हेड उसको फॉरवर्ड करें। हेड ऑफ द सर्किल विल रिस्पॉन्सिबल टू सेंडिंग और जो हेड ऑफिस जो हेड ऑफ सर्किल है उनकी ड्यूटी है कि ऐसे ट्रांजैक्शन को DDG या PCO को जो अपना महीने का 8वां वर्किंग डे है तो उसमें रिपोर्ट करे। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको याद करना है कि डिविजनल हेड के लिए 3rd डे है महीने का और हेड ऑफ जो सॉरी पोस्ट ऑफिस के लिए 3rd डे है डिविजनल हेड के लिए 5-day working day मंथ का और जो सर्किल हेड है उसके लिए 8 डे। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन विच आर लेस देन 10 लाख बट आर इंटरली कनेक्टेड एंड आर कैरिड आउट विद इन 1 पीरियड और टोटली एक्सीडिंग 10 लाख यानी बार बार इस तरह के एक बार से ज़्यादा कर दिया 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट करा उसे सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन क्या है कि एनी अकाउंट वेयर कैश इज एक्सेप्टेड एंड फोर्स्ड फॉर काउंटरफिट करेंसी नोट्स आर यू टू बी फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसमें क्या करना होगा इंचार्ज ऑफ एवरी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस विल बी पर्सनली इसमें पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी KYC डॉक्यूमेंट है वो इकट्ठे करने और उस सेम डे उसकी रिपोर्ट करनी है इस तरह का अगर कुछ कर रहा है तो उसमें कोई वर्किंग डे की बात नहीं है। और जो बाकी चीज़ें हैं इसमें जैसे डिविजनल हेड है वो भी उसको सेम डे ही करेगा और जो हेड ऑफ सर्किल है उसी को बिल्कुल सेम डे। अगर इस तरह की किसी तरह की आपको संदेहास्पद स्थिति लग रही है कि जैसे ये पैसा कोई ब्लैक मनी है या इस तरह के तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है किसी मतलब फर्जी तरीके से ऐसा कुछ लग रहा है आपको तो सेम डे उसकी रिपोर्टिंग होनी है। तो दोस्तों एक नोट है इसमें कि आल सच अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन शुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड लाइक STRs इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवन इन द ट्रांजैक्शन नोट कंप्लीटेड बाय द कस्टमर। अब दोस्तों रिकॉर्ड कीपिंग की बात आती है तो आल लॉन्ग बुक एंड लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आइदर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर 10 ईयर। इसका प्रिजर्वेशन पीरियड 10 साल के लिए जो भी लॉन्ग बुक है या LOT है जो आल लेजर है वो भी 10 साल के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है आल जो क्लोजर या विड्रॉल के जो फॉर्म है वो भी 10 साल के लिए रखे जाते हैं
और जो एप्लीकेशन परचेज फॉर्म है जो भी वो भी उसका भी टाइम भी 10 साल है, तो आपको रिकॉर्ड 10 साल के लिए रखना है। गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाई एग्जिस्टिंग पीओएसबी सर्टिफिकेट होल्डर विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर, उन लोगों को आप किस तरह से गाइडलाइन करेंगे। तो दोस्तों फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएल एक्ट 2000 द रूल मेड अंडर दिस एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यानी बजट डिवीजन है हैज़ फॉर्मुलेटेड फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंशन ऑफ AML CFT norms टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम। नेक्स्ट है दोस्तों हाउ टू टेक KYC डॉक्यूमेंट इन एग्जिस्टिंग अकाउंट सर्टिफिकेट जो पहले से उनमें किस तरह से इनकेस ऑफ सेविंग या PPF MI सीनियर सिटीजन नेशनल NSS TD RD इसमें आप KYC डॉक्यूमेंट किस तरह से कलेक्टेड करोगे। तो ए प्रिंटेड नोटिस विल बी हैंडेड ओवर टू द डिपॉजिटर यानी जब भी वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करता है उसके साथ SB ऑर्डर की एक कॉपी उसके उसको देनी है और उसको बोलना है किस तरह के आप KYC डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट ऑफिस लेके आइए और उसकी जो रिस्क कैटेगरी है उसके हिसाब से उसको उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए आप जो भी और उसका KYC मेंटेन करें। जब भी वो ट्रांजेक्शन करता है पहली बार दूसरी बार तीसरी बार जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तक आप उससे कलेक्ट करें। इसी तरह जो एग्जिस्ट इसमें केस ऑफ ट्रांसफ़र कोई करवाता है रिवाइव करवाता है साइलेंट करवाता है जब भी डिपॉजिटर के सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं किसी भी कंडीशन में तब आप उससे KYC कलेक्ट कर सकते हो। इन केस ऑफ सर्टिफिकेट के अंदर भी सेम शर्तें हैं दोस्तों जब सिग्नेचर मैन इसके अंदर क्या है कि जब सिग्नेचर नहीं मिल रहे तो आप उससे स्पेसिमेन से उसके सिग्नेचर मैच करवाने की कोशिश करें और मतलब फुल KYC लेकर। अब इसका रिकॉर्ड कीपिंग है दोस्तों ऑल इंस्ट्रक्शन इशू इन केस ऑफ न्यू अकाउंट सर्टिफिकेट विल आल्सो बी एप्लीकेबल ओल्ड अकाउंट सर्टिफिकेट जैसे पहले थे वैसे रिपोर्टिंग ऑल इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ न्यू अकाउंट सर्टिफिकेट विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू ऑल अकाउंट सर्टिफिकेट। दोस्तों नोटिस की बात आती है SB RD TD MI NSS SCS PPF अकाउंट होल्डर या जो KUP होल्डर है उनके लिए वही सेम कंडीशन है लो रिस्क उनके लिए जो पहले बात चल रही थी अकाउंट्स की अब चल रही है सर्टिफिकेट्स की या तो सेम चीज़ है दोस्तों वही लो रिस्क मीडियम रिस्क और हाई रिस्क जो 10 लाख 50,000 से कम है 50,000 से 10 लाख और 10 लाख के बाद सेम कंडीशंस वही है किस तरह के डॉक्यूमेंट लेने हैं क्या लेना है पैन कार्ड वो बाकी चीज़ें सभी आ गई। अब इसमें जो हाई रिस्क कैटेगरी है वो ही सेम चीज़ें हैं 10,000 सीनियर सिटीजन वाला नियम जो मैंने पहले बताया था वही है। अब इफ़ दिस डॉक्यूमेंट आर नॉट प्रोवाइडेड नो फर्दर ट्रांजेक्शन विल बी अलाउड आफ्टर 3 ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिस डेट अगर जिस दिन से ये ऑर्डर जारी हुआ है उसके आप 3 ट्रांजेक्शन तक बंदा अगर इस तरह के ऑर्डर फॉलो नहीं करता आपके पास KYC डॉक्यूमेंट नहीं लेके आता है तो आप उसके ट्रांजेक्शन रोक सकते हैं। प्लीज़ इग्नोर द कैटेगरी विच इज़ नॉट अप्लीकेबल जो कैटेगरी इसमें नहीं आती वो आप हटा लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर मेरा वीडियो आपको जानकारी आपको पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करते जाना। कोई क्वेश्चन आपका इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।